गुड मॉर्निंग। तो कल का मैं कंक्लूड करने के लिए भूल गई थी, मतलब हम बहुत टायर्ड हो गए थे रूम पहुँचते पहुँचते, तो इसकी वजह से कल का कंक्लूजन किया नहीं था वीडियो का। तो यस, आज अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा रूम है यागप्पा हेरिटेज रिजॉर्ट का, एंड कोजी रूम है, ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं है हमें यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बोला हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, और कल जैसे मैंने बोला था हम एक्चुअली कोडैकेनाल एक्सप्लोर करने नहीं आए, बेसिकली हम कोडैकेनाल के पास वाले एक प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज, तो उसके विजुअल्स आगे देखिएगा। हाँ, उसके पहले यहाँ का आउटसाइड व्यू आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सारा बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं आसपास में, साथ ही में यहाँ के लोकल्स के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी है। और ये मैं ले चलती हूँ आपको बाहर के नज़ारे की तरफ। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है, छोटा सा एक रिजॉर्ट है, मतलब रिजॉर्ट बोल नहीं सकते, होटल है। और आसपास वाले जो व्यू है, जो सीनिक ब्यूटी है, वो लाजवाब है। साथ ही में रूम के ऑपोजिट अगर आपको दिखाई दे रहा है एक ब्यूटीफुल वैली है, उसे कम्प्लीटली फॉग ने कवर करके रखा हुआ है। हल्की सी जैसे बारिश हुई है सुबह, तो उसकी वजह से मौसम ऐसा लग रहा है आज का, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। हम फाइनली नीचे उतर गए, ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, और हल्की हल्की सी बारिश अभी भी हो रही है, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से व्यू जो है। चलो ब्रेकफास्ट टाइम। तो गर्मा गर्म इडली के साथ गर्मा गर्म सांबार और चटनी मिली है हमें, साथ ही में ब्रेड और बटर वगैरह भी है। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और हम अब उस लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी निकल पड़े हैं, हमारी कार से कुछ माइनर सा साउंड आ रहा है, उसके थोड़े टेंशन में हूँ मैं। आप बाहर का नज़ारा एंजॉय करिए। मॉर्निंग से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है मैंने देखा नहीं है, लेकिन ठंड है। और बारिश तो अभी फ़िलहाल के लिए रुकी हुई है, तो अगर ऐसा ही मौसम रहा तो हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, वरना ड्राइव करते वक्त वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो रोड्स वगैरह ठीक ही है, ज़्यादा इश्यूज़ नहीं लग रहे फ़िलहाल तो, लेकिन थोड़ा सा नैरो है, ज़्यादा वाइड नहीं है। तो जब भी ऐसे घाट रोड से आप ड्राइव करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करनी है, संभाल के चलाना है। हर जगह पे आपको ऐसे वेंडर्स दिखाई देंगे जो कुछ ना कुछ बेचते ही है, तो ये भी अच्छी बात है, भूखे नहीं रहेंगे हम, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने को। हाँ, और एक बात, हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छा था, टेस्टी ब्रेकफास्ट था। कल थोड़ा डिनर को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, डिनर हमने होटल से जहाँ पे हम ठहरे हैं वहाँ से ऑर्डर नहीं किया था, हमने स्विगी से ऑर्डर किया था, तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। फिलहाल मुझे एंजॉय करने दीजिए। मॉर्निंग में हमारे रिजॉर्ट से बहुत ही बढ़िया फॉग का व्यू आ रहा था, फिलहाल अभी थोड़ा सा कम है। ये द तामराई कोडाई करके एक रिजॉर्ट है, मिला नहीं बराबर से, मैं बाद में दिखा दूंगी, फ्रेम में मिला नहीं। हालांकि यहाँ पे डायरेक्शंस का इतना इश्यू नहीं है, लेकिन अपना मैप ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जाते जाते ना हमने एक पॉइंट पे थोड़ी सी भीड़ देखी, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको भीड़ दिखेगी ना, वहाँ पे कोई ना कोई व्यू पॉइंट तो होगा ही होगा, तो इसके वजह से रैंडमली रुका दिया यहाँ पे, तो देखा कोडैकेनाल लेक का व्यू पॉइंट है ये, एंड इट्स रियली ऑसम टू वॉच। एंड अगर आपको पता नहीं है तो कोडैकेनाल लेक जो है ना, वो एक स्टार शेप में है उसका फॉर्मेशन, तो थोड़ा बहुत निकाल दिए हमने भी वीडियोस और क्लिक्स। कोडैकेनाल का टाउन एरिया है ये सारा, यहाँ पे भी बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज दिख रहे हैं, एक मॉस्क है, और एज यूजुअल टूरिस्ट का क्राउड भी है, लोकल क्राउड भी है। हाँ, Right.
राइट साइड पे देखिए एक प्यारा सा लश ग्रीन प्लॉट है, पूरा फेंस वगैरह लगा के रखा है, लोकलाइट्स का है, फार्मिंग एरिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ही सुंदर है। एक ऑब्जर्वेटरी है, इसका नाम मैं बाद में बताती हूँ, अभी भूल गई हूँ, 300 मीटर्स ही है। वो सामने रोज गार्डन का बोर्ड दिख रहा है, देख सकते हो टूरिस्ट वगैरह जो है बहुत ही नंबर्स में यहाँ पे आते रहते हैं। ऑब्जर्वेटरी म्यूजियम, यहाँ पे से ढेर सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ कुछ ओपन है, कुछ कुछ ओपन नहीं है। ये टाइम क्या हो रहा है अभी, 9:30। और ये है यहाँ से ए पीकॉक वहाँ पे, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन वो वहाँ पे एक छोटा सा घर जैसा है, ओह गॉड उसके ऊपर है, देखा। निकी ने स्पॉट किया पीकॉक। बारिश होने की वजह से रोड जो है पूरा वो ब्रांचेस वगैरह सब गिर के थोड़ा सा मडी मडी लग रहा है, कचरा कचरा। भाई हिल स्टेशंस की बात ही अलग होती है ना, हम कोस्टल एरिया से आने वाले लोग, हमें तो यहाँ पे स्वर्ग है स्वर्ग। हाँ, और कोडैकेनाल में यूजुअली जो वाइल्ड लाइफ दिखाई देती है उनमें से एक है बाइसन, फिर वाइल्ड बोर होते हैं यहाँ पे, फिर मंकीज एज यूजुअल होते ही है, ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। हम जहाँ पे ठहरे वहाँ पे भी उनका वो आवाज़ आ रहा था, वो रूफ पे चल रहे थे, वो देखा नहीं मैंने लेकिन है। एंड देन पीकॉक वगैरह जो भी है, एंड देन बर्ड्स, बहुत ही वैरायटी के बर्ड्स है यहाँ पे। सारा जंगल ही है, थोड़ा सा मुझे वो मसीनागुड़ी का फील आ रहा है। तो बहुत बहुत बुरी तरीके से हॉर्न मारे कौन है देखते। दिस इज वियर्ड मैन, प्लीज डोंट। सबको अपने अपने डेस्टिनेशंस पे जाना होता है, क्यों इतना रश करते समझ में नहीं आता है। इमरजेंसी है तो ठीक है, वरना ये दिस इज जस्ट पॉइंटलेस टू डू दिस, इट्स रियली अनोइंग राइट। बारिश ने जो है ना कमाल कर दिया है शायद, देखिए कितना ग्रीन है, ग्रीनरी है, लश ग्रीन सराउंडिंग्स है यहाँ के रोड पे, एंड आपको ना फोर्स कर ही देता है यहाँ के नज़ारे की रुका दो, बस रुका दो भाई, और कैप्चर कर लो इन नज़ारों को अपने दिमाग में और कैमरा में। धूप निकल चुकी है, आई सो मलयन, हाँ ले ले, वीडियो में नहीं आया। मैंने उसको क्या बोलते हैं मलयन को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माउंटेन स्क्विरल शायद बोलते हैं, मैंने देखा उधर था वीडियो पे, बाद में ढूंढ के बताऊंगी मलयन को क्या बोलते हैं, मलयालम में मलयन बोलते हैं। तो वहाँ पे था वो, वीडियो में नहीं आया होगा, नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़ा हाइट पे था। आज की जर्नी का दूसरा व्यू पॉइंट आ चुका है पड़नी मलई व्यू पॉइंट, रुकाना तो पड़ेगा ही। अभी ना हम एक व्यू पॉइंट देखने के लिए जा रहे हैं, पड़नी मलई व्यू पॉइंट ऐसे करके लिखा था वहाँ पे बोर्ड पे, तो उस तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, पड़नी टेंपल मैजेस्टिक व्यू पॉइंट, यस दैट्स राइट। चलते चलते प्यारे दोस्तों को भी देख लिया, लेकिन मेंटेन सेफ डिस्टेंस, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उनको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, तो अपने बिलोंगिंग्स पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको तो आदत लगी चुकी है, क्योंकि आते जाते टूरिस्ट लोग उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, तो बी केयरफुल। तो ये है पड़नी मलई व्यू पॉइंट, पूरा कोहरा है, फॉग है, फॉग से ढका हुआ है, तो इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि वैली है दूसरे मतलब माउंटेन्स है या फिर कोई नीचे की तरफ रेसिडेंशियल ब्लॉक्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी है फॉग भी देखने का एक अलग ही मज़ा है, लेकिन साथ ही में आपको यहाँ पे ढेर सारा प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक वेस्ट भी दिखाई देगा, जो कि एक प्लेजेंट विजुअल नहीं है हमारे आंखों के लिए। बहुत सारे सज्जन बोल बोल के थक चुके होंगे कि टूरिस्ट प्लेस को या फिर ऐसे जगहों को मत रुइन करो वेस्ट फेंक कर,
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक हम खुद ही ना सोच ले तब तक कुछ नहीं बदल सकता, तो प्लीज़ डोंट लिटर, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैंने कहा था ना यहाँ के प्लेसेस जो है आपको फोर्स कर ही देंगे रुकाने के लिए, और ये रहा एक वंडरफुल सा व्यू पॉइंट, क्या नज़ारा है, बहुत ही वंडरफुल है, अगर नहीं रुकाते तो मिस हो जाता ये पॉइंट। साथ ही में आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे विलेज सेटलमेंट्स है, बहुत सारे लोकलाइज के रेसिडेंट्स आपको दिख सकते हैं, एंड यस फॉग और कोहरे के वजह से इस प्लेस को और चार चांद लग चुके हैं इस व्यू पॉइंट को, एंड हमारी तरह और भी टूरिस्ट इस जगह को देख के अट्रैक्ट होके आ रहे हैं ताकि एंजॉय कर सके इस सीनिक व्यू को। ये वाइट रूफ्स आपको दिख रहे हैं आर्च शेप में, ये जो है ना टेंट है, मतलब रूम्स है बेसिकली, बहुत ही कोजी और सिंपल रूम्स है ये, पहाड़ की लाइफ जो है वो एक्चुअल में एंजॉय करने के लिए, मतलब जो टेंट लाइफ होती है वगैरह को एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसे रूम्स बनाए गए हैं। एंड यहाँ पे जो होटल और रिजॉर्ट्स वाली एमिनिटीज़ तो ज़रूर नहीं होंगी, लेकिन ये भी एक अलग एक एक्सपीरियंस है, मतलब जिनको भी अगर ये भी ट्राई करना है यहाँ पे आने के बाद तो कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि आपने हमारे वीडियो में देखा कि कितने सारे सीनिक व्यू पॉइंट्स हैं, तो डेस्टिनेशन तो अभी तक पहुँचे ही नहीं है हम, उसके पहले ही हमें कितने बार हम मजबूर हो गए गाड़ी रुका के इन सीनरीज़ को एंजॉय करने के लिए। तो कोडैकनाल जैसा प्लेस जो है वो इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि हर एक पॉइंट में बेस्ट व्यू पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फिलहाल के लिए मैं वीडियो जो है वाइंड अप कर रही हूँ, और जो डेस्टिनेशन था हमारा वो मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी, अगले व्लॉग में उसे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो तो, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं निकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूडेमोनियाज़ मिस्टर्स, बाय बाय।